फ्रेंड्स, क्या आपके बाल शैम्पू करने के कुछ देर बाद रूखे बेजान से नजर आने लगते हैं? दरअसल शैम्पू करने के बाद जो हमारे बाल होते हैं वो अपनी नमी खो देते हैं, और हालांकि मार्केट में मिलने वाले जो कंडीशनर होते हैं अगर हम उनका इस्तेमाल अपने बालों पर करते हैं तो उससे हमारे बालों की जो उलझन होती है वो कुछ कम तो हो जाती है, लेकिन अगर हम हर हेयर वॉश के बाद अपने बालों पर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे बाल खराब होने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल #ritu12। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पर हेयर केयर, स्किन केयर, हेल्थ केयर से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं, यूजफुल हो सकती हैं। सो प्लीज आप लोग वीडियो को वॉच करें, और वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो नहीं पसंद आते हैं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो बेल आइकन दिया गया उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर में आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं उन सबका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में एक होममेड कंडीशनर का जो DIY है वो शेयर करने वाली हूं। बिल्कुल नेचुरल है और इससे आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। आप चाहे इसको कितनी बार भी यूज करें, आपके बाल जो है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, बल्कि दिन प्रतिदिन उनकी जो ग्रोथ है, साइन है, वो लगातार बढ़ती जाएगी। फ्रेंड्स, दूसरी ओर अगर हम हर हेयर वॉश के बाद में मार्केट वाला जो केमिकल युक्त कंडीशनर है उसका यूज करते हैं तो उसका यूज करने से जो हमारे बाल खराब होने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा बने रहते हैं, और आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने पैसों को इन मार्केट वाले कंडीशनर पर बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, बल्कि आप नेचुरल तरीके से, नेचुरल चीजों से घर पर ही कंडीशनर को बनाएं और उसका यूज करें, और दूसरे लोगों को भी सलाह दें कि वो नेचुरल चीजों पर ज्यादा विश्वास करें, ज्यादा भरोसा करें। ये डेफिनेटली आपको रिजल्ट देंगी, चाहे थोड़ा सा इसमें टाइम जरूर लग सकता है क्योंकि इनमें कोई भी केमिकल नहीं मिला होता है, और जो केमिकल वाली चीजें होती है वो फास्टली काम करती है, बट जो नेचुरल चीजें होती हैं वो थोड़ा स्लो काम करती है, बट बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देती हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं अपना होममेड कंडीशनर, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसको बनाने के लिए हमें 8 से 10 ताजे गुलड़ के फूल चाहिए, हमको फ्रेश हिबिस्कस फ्लावर चाहिए, और अगर आपके पास में हिबिस्कस फ्लावर नहीं है तो आप हिबिस्कस की जो लीफ होती है आप उसको ले सकते हैं। अगर आपके पास में गुलड़ के फूल नहीं है, आपको नहीं मिले, तो आप गुलड़ के जो पत्तियां होती हैं उनको ले सकते हैं, 20 से 25 आप उनकी लीव्स ले लीजिए, जो कि आपको हर मौसम में मिल जाएंगी। जो गुलड़ होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है, और इसकी जो लीव्स होती हैं उसमें फ्लावर्स से ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, तो आपको इन दोनों चीजों में जो भी मिल जाए आप वो ले लीजिए। फ्लावर्स का ग्रीन वाला भाग जिसे हम लोग कैलिक्स कहते हैं, और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको हम तोड़कर अलग कर लेंगे, और गुलड़ के फूल में विटामिन के साथ साथ में एमिनो एसिड पाया जाता है जो हेयर में केराटीन के उत्पादन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जिससे हेयर फॉल भी हमारा कंट्रोल होता है, हेयर की ग्रोथ, हेयर की साइन भी बढ़ जाती है, और जो हमारे हेयर होते हैं वो सॉफ्ट और स्मूथ भी हो जाते हैं। तो मैंने सारे फ्लावर्स के कैलिक्स को, पॉलन ग्रेन्स को तोड़कर अलग कर दिया है, क्योंकि ये कुछ लोगों को इरिटेट कर सकते हैं, जिससे स्कैल्प पर खुजली हो सकती है, इरिटेशंस हो सकती है, तो हम लोगों को उनको पहले से ही इनको अलग कर देना है। अब इनको हम एक मिक्सर जार में डालेंगे और एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो हमारा हिबिस्कस का पेस्ट है वो बिल्कुल रेडी है, ये बहुत सॉफ्ट, स्मूथ और स्लाइमी सा पेस्ट बना है। अब हम इस पेस्ट में अपनी हेयर की लेंथ के हिसाब से पानी ऐड करेंगे, आपको फ्रेश वाटर लेना है, जो आप पीते हैं आप वाला इसमें पानी ऐड कर दीजिए। और मेरे हेयर जो है वो ज़्यादा लंबे नहीं है, तो यहाँ पर मैं 1 कप के समथिंग इसमें पानी को ऐड कर दूंगी, और अगर आपके हेयर की लेंथ जो है वो ज़्यादा है, मतलब आप अपने हेयर के हिसाब की लेंथ के हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको ढककर मिनिमम 1 घंटे के लिए उसको ऐसे, अगर आप इस रेमेडी को हेयर पर अप्लाई करने से 1 दिन पहले इसको बना रहे हैं तो आप इसको पूरी नाइट इसको ढककर ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ताकि गुलड़ में जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी इस पानी में अच्छी तरीके से रिलीज हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे मिक्सचर को 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसको हाथों से खूब
कस-कस के इसको मसलेंगे, कम से कम 10 से 15 मिनट तक खूब मसलेंगे, और गुस्से में आकर नहीं मसलेंगे, नहीं तो ये रेमेडी आपको कोई भी फायदा नहीं देगी। अरे फ्रेंड्स, मैं आपके साथ में मजाक कर रही हूँ, ये रेमेडी जो है वो आपको जरूर जरूर फायदा देगी। सारे अच्छी तरीके से मसल जाए, फिर हमको एक बाउल लेना है और एक छलनी लेनी है, और इसकी हेल्प से इसका पूरा जेल निकाल लेना है। आप चाहे तो एक मलमल का कपड़ा भी ले लें, उसकी हेल्प से इसका पूरा जेल छान सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने सारा जेल निकाल लिया है, और इसका जो कलर है वो बहुत सुंदर लग रहा है, और ये बहुत बहुत ज्यादा स्लाइमी है, बिल्कुल एलोवेरा जेल के जैसा स्लाइमी हो, मतलब उससे भी ज्यादा ये स्लाइमी है। अब हम इसमें 1 स्पून भर के अरंडी का तेल, या जिसको हम लोग कैस्टर ऑयल बोलते हैं, उसको ऐड करेंगे, जो कि बहुत थिक होता है, स्टिक होता है, स्लाइमी सा होता है। इसको हम अकेले इसको अपने हेयर पर अप्लाई नहीं कर सकते, इसको किसी दूसरे ऑयल के साथ में मिक्स करके अपने हेयर पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हमें 1 स्पून लेना है और इसको इसमें इस जेल में ऐड कर देना है, और ये ड्राई फिजी हेयर को प्रिपेयर करने के लिए, सिल्की और स्मूथ बनाने के लिए ये ऑयल रामबाण तरीका है। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और अगर आपके पास में ये कैस्टर ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पर कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें 4 से 5 ड्रॉप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की ऐड करेंगे। इसमें से एक मन को खुश करने वाली एक सुंदर सी स्मेल आने लगेगी, और अगर आपके पास में एसेंशियल ऑयल नहीं है, बिल्कुल भी दुखी ना हो, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब सारी चीजों को बढ़िया तरीके से स्टर करते जाएंगे, और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा होममेड जो कंडीशनर है वो बिल्कुल रेडी है। और हाँ फ्रेंड्स, इसको अप्लाई करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। ये कंडीशनर बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और आप इसको एक बार यूज करेंगे ना, तो आप मार्केट वाला जो कंडीशनर है उस पर आप बिल्कुल भी अपने पैसे बर्बाद नहीं करेंगे। और हम इसको एक बोतल में भरकर 1 से 2 सप्ताह के लिए अपने फ्रिज पर स्टोर करके रख सकते हैं। पर इस टाइम आप देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा थोड़ा बनाएं और उसको अपने हेयर पर अप्लाई करें, क्योंकि इसमें ज्यादा चीजें नहीं लगी। तो ये फ्रेंड्स, इसको अपने हेयर पर अप्लाई करते हैं। बट फ्रेंड्स, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ी सी बात सुन लीजिए कि इसको हेयर पर अप्लाई कैसे करना है। इसको अप्लाई उसी दिन करें जिस दिन आपने अपने बालों पर शैम्पू किया हो, मतलब अपने बालों को आपने धुला हो। बाल धुलने के बाद जब ये हल्का हल्का से गीले रहते हैं, तब आपको बिल्कुल हल्के हाथ से अपने बालों में कंघी करना है, मतलब कंघी से अच्छी तरीके से इनको सुलझाना है, और बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से सुलझाना है। अगर आप बहुत तेजी से इसको सुलझाएंगे, इसको खींचेंगे, तो इस टाइम आपके जो बाल हैं वो गीले हैं, तो आपको जो हेयर फॉल है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। इसलिए आप बिल्कुल हल्के हाथों से अपने बालों को अच्छे से सुलझाएं, जिससे आपका एक भी बाल नहीं टूटेगा और आपका काम भी हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने धीरे धीरे से अपने सारे बाल गीले बालों को अच्छी तरीके से सुलझा लिया है। अब हम इसको अप्लाई करने से पहले इस बोतल को अच्छी तरीके से इसको सेक करेंगे, अच्छी तरीके से इसको हिलाएंगे, फिर पाम में इसको डालेंगे और दोनों पाम को आपस में रगड़ेंगे, जिससे क्या है कि ये हमारे पाम में पूरी तरीके से ये फैल जाएगा। अब हम थोड़े थोड़े बाल लेंगे और थोड़े थोड़े बालों में रूट से लगा के पूरी हेयर लेंथ पर इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे। थोड़े से बालों के साथ फिर से हम इसी प्रोसेस को करेंगे। ऐसी प्रोसेस आपको अपने पूरे बालों के साथ में करनी है। जब ये आपके पूरे बालों पर अप्लाई हो जाए, तब आपको इसको 1 घंटे के लिए अपने बालों पर ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। और बालों पर अप्लाई होने के बाद आप मेरे जैसे बालों को खुला भी छोड़ सकते हैं, और अगर आप खुला नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आप एक सॉफ्ट सा बन बना लें और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें। जब ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए, तब आप इसको नॉर्मल वाटर से अच्छी तरीके से क्लीन कर लें। इस टाइम आपको शैम्पू बिल्कुल भी नहीं करना है, शैम्पू को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि आप एक बार पहले शैम्पू कर चुके हैं, आपके बाल जो है वो बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ है, तो आपको शैम्पू नहीं करना है, नॉर्मल वाटर से अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। फ्रेंड्स, मैंने अपने हेयर को नॉर्मल वाटर से अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और नेचुरल एयर में अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया है, और जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं मेरे हेयर कितने शाइनी, स्मूथ और मैनेजेबल दिख रहे हैं। स्कैल्प पर एक्स्ट्रा ऑयल था, डेंड्रफ था, वो भी काफी हद तक निकल चुका है, और मुझे ये जो ये कंडीशनर है बहुत बहुत अच्छा लगा है, बहुत इफेक्टिव लगा है।
वाकई में ये कमाल का होममेड कंडीशनर है। आप इसको जरूर बनाएं और इसको जरूर एक बार यूज करें, तब भी आपको इसको जो रिजल्ट है आप उसको फील कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो आपके एक्सपीरियंस है, सजेशन है, वो हमारे कमेंट बॉक्स पर देना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि और लोग भी जो ये DIY है इनको बनाएं और उनको यूज करें, इनके फायदे उठाएं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू गाइस।